So good morning friends, again a very important session for those who want to make their career in KVS. Students, बहुत अच्छा स्कोप है और आप अच्छे से जानते हैं कि रिटन एग्जाम इज जस्ट अबाउट टू कम और आज मेरे पास है गर्ल, शी हैज कम फ्रॉम भादुरगढ़, दैट इज वेरी नियर टू दिल्ली. और ये मेरी स्टूडेंट है जो हमारे पास द सेम ईयर शी हैज कम इन मार्च एंड टुडे शी इज अ सक्सेसफुल पेडागॉग इन केवीएस ओनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हर ब्लेसिंग्स, सो माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर योर जॉइनिंग्स. ओके, सो ये तो हुई अच्छी बात. अब स्टूडेंट्स, जब मैंने इन्हें इन्वाइट किया यहां पर, अभी ये जॉब कर रहे हैं मेघालय में, ये बहुत अच्छी बात है. मैं चाहता हूं कि हमारे रिटन पेपर एग्जाम्स में जो बच्चे इन दिनों तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेक्शन के लिए उनके लिए कुछ पॉइंट्स ही हमें दें ताकि हमारे उन बच्चों को बेनिफिट मिले जो रिटन में क्लियर हुए हो. तो मेरे को लगता है थोड़ा सा, क्योंकि अब रिटन एग्जाम नियर है और हार्डली 3-4 days रह गए हैं, तो सुनिए क्या लगता है, क्या रिटन एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए कि बच्चों का सिलेक्शन हो? जी सर, मेरे तरीके से देखो, अगर तो मैं एक प्रकार से देखा जाए तो हाउस में भी हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, घर का काम भी संभालना, और मैं स्कूल में जॉब भी करती थी, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन भी देती थी. फिर भी मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती थी, मैं रात को पढ़ती थी 2-2 बजे तक. रात को मैं सुबह मुझसे नहीं पढ़ा जाता कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूं, क्योंकि सुबह मुझे ये रहता स्कूल जाना है, घर का काम हर चीज ओके करके जानी है, तो सुबह मुझसे कभी नहीं पढ़ा गया. रात को क्या क्या पढ़ना है मैंने अपना ये शेड्यूल बनाया हुआ था. रीजनिंग मेरी अच्छी थी क्योंकि मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस करती थी, कोई भी बुक उसका हर चैप्टर डेली में एक एक रिवाइज करती थी. ऐसे ही मैथ्स का सबसे अच्छा मैं बता दूं कि बच्चों का करंट अफेयर में मार्क्स बहुत कटते हैं सर. और मैंने करंट अफेयर की तैयारी की, 6 महीने की मैंने प्रतियोगिता साइट ली और मैं उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी क्योंकि वो इतनी इजी तो नहीं होती है कि हम सब एकदम से याद कर लें. तो सर मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती, जब पेपर में करंट अफेयर या कोई जीके का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऑप्शन भी देखने के बाद हमें याद आ जाएगा, चाहे मीन्स हमने रटा नहीं है कि प्रॉपर यही आंसर है, बट ऑप्शन देख के याद आ जाएगा हाँ शायद इसका यही है, एकदम से ऐसे ही. और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट तो सर को देना चाहूंगा कि मिस्टर गोविंद जी को, आपके हस्बैंड को, जिन्होंने कोऑपरेट किया. राइट, ओके. सो और क्या लगता है, जैसे मान लीजिए रिटन बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो उस लास्ट डे में उसको क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट डे में ये नहीं है सर कि जो रह गया बहुत कुछ छूट भी जाता है, अगर तो उस सब के पीछे ना भागे. जो मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो उसका अच्छे से तैयार है, उसने जो अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं उनको देखिए बस. क्योंकि अगर हम सब पीछे वाला कि ये मैंने छोड़ दिया उसको करने लग गए तो कम से कम जो किया हुआ है एट अ टाइम वो याद. बिल्कुल सही बात कही आपने. अच्छा मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई पर्सन तैयारी कर रहा है पर उस दौरान जैसे मान लीजिए उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पे ज्यादा वर्क करना चाहिए या जीके पे, करंट जीके पर, ऐसा कुछ? अगर वो पीजीटी या टीजीटी है तो सब्जेक्ट उसका अच्छा ही होगा तो सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना चाहिए. और आपको लगता है क्या जीके में करंट जीके ज्यादा रहता है या ओल्ड जीके डेड जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? अब की बार चेंज हो गया है पैटर्न, 10 मार्क्स का जीके करंट है और 10 मार्क्स का ओल्ड, आई एम नॉट श्योर, बट लास्ट टाइम जब मैंने किया था जब ऐसा नहीं था. सो आपको लगता है करंट जीके के लिए क्या किया जाए? मान लीजिए किसी को अगर करंट जीके बहुत अच्छा नहीं है मगर अब उसके पास 1-2 दिन है तो उसको करंट जीके किससे करना चाहिए आपके हिसाब से? बेस्ट है न्यूज़पेपर, अगर उसने पढ़ा है तो अच्छा है. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो मे बी प्रतियोगिता साइट बेस्ट है. उसकी हेडलाइंस वगैरह देख ले, अंदर का मैटर नहीं पढ़ पा रहा है. वेरी राइट. और रिटन एग्जाम देने का कोई फॉलोअप, कोई टाइम पीरियड कुछ निर्धारित करे वो एग्जाम देने का? सबका अलग अलग वे होता है सर, बट मेरा वे है मैं सबसे पहले चूज करती थी रीजनिंग. क्योंकि मैं चाहती थी 20 या 30 मार्क्स जितना रीजनिंग है कम से कम वो श्योर है, ये मार्क्स पक्का है. रीजनिंग और मैथ्स मैं उनमें, फिर बाद में जो पोर्शन था जैसे मेरी जी की इतनी अच्छी नहीं थी बट मेरी प्रतियोगिता साइड तक पढ़ के अच्छी थी तो मैं बाद में वो सब पोर्शन करती थी. ऐसा करते थे आप. और जो बच्चे टीजीटी वगैरह के लिए जा रहे हैं तो कोई कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहता है या कुछ नॉर्मल सा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर ना टेंशन लें? अगर बच्चे ने 6-10 एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो उनमें से आएगा, वहीं से आना है 100% गारंटी. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहाँ से आ गया, बुक पढ़ी है तो बुक से देगा. यू मीन टू से जो टीचर्स है इस समय जो जॉब कर रहे हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? हाँ उनको तो बेनिफिट है. एक तो बेनिफिट है सर, जो पढ़ाता है स्कूल में. आप भी पढ़ा रहे थे जब आप तैयारी कर रहे थे? यस सर, उस टाइम पे मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी. वेरी गुड. बट टीजीटी मेरा हुआ, पीजीटी में मेरा रह गया. सो टीजीटी जब आपने एग्जाम दिया तो आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे थे स्कूल में उस टाइम पे? इकोनॉमिक्स में,
पीजीटी इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स और ये वो आपका अच्छे से हो गया था. वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है. और रिटन एग्जाम के अंदर अगर बच्चे जा रहे हैं तो अब हमारे पास बहुत ही कम डेज रह रहे हैं, तो उन बच्चों को कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? अगर मैं नंबरिंग पूछूं आपसे तो कितने आवर्स उनको कम से कम पढ़ना चाहिए? अनमैरिड बच्चे हैं तो सर उसके पास काफी टाइम है ना. ओके, तो पढ़ना चाहिए मे बी 12 या 14 घंटे आराम से पढ़ना चाहिए, उसको देना चाहिए. ओके, क्योंकि ये लाइफ सेट हो जाएगी. अगर फिर वो लाइफ में अगर सेट हो जाता है उसकी तो कोई टेंशन की बात नहीं है. अदरवाइज वो कम टाइम दे पा रहा है पढ़ाई को तो सर नहीं पाएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है. अभी आपकी जॉइनिंग कहाँ आई है? मेघालय. तो कैसा लगा आपको एरिया? सिलोन बहुत अच्छा है सर. ओके, और ये जन्नत है. अरे वाह. और ये सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है केवीएस का? केवीएस का सैलरी स्ट्रक्चर सर मेरा 55,000 इन हैंड मिल रहा है. वेरी गुड. बट मैंने क्वार्टर भी लिया है. वेरी गुड. मैं क्वार्टर नहीं लूं तो क्वार्टर का अलग से अलग मिलता है. ओके, सो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा पैकेज है, तो क्यों ना हम उसके लिए अप्लाई करें और उसके लिए ट्रेन अप करें. और जितने बच्चों ने फॉर्म तो बहुत बच्चों ने भरा होगा सर, है ना, क्योंकि हर बच्चा इंटरेस्ट चाहता है. हां, इवन वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट मिस्टर अनिल पुनिया, ही इज आल्सो वर्किंग इन द सेम कंपनी. आई हैव माय स्टूडेंट फ्रॉम अबोर मिस्टर अमित, ही इज आल्सो वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जितने भी बच्चे हमारे जॉब कर रहे हैं, इवन विकास फ्रॉम हनुमानगढ़, ही इज आल्सो वर्किंग इन केवीएस ओनली. सो टुडे मुझे बहुत खुशी हुई दैट सोनिया हैज विजिटेड हियर फ्रॉम महेंद्रगढ़ एंड दैट इज नियर न्यू दिल्ली. तो अब महेंद्रगढ़ वाले लोगों को कैसा लग रहा है जब आपकी जॉब लगी? बहादुरगढ़ वाले लोगों को कैसा लग रहा है जब आप जॉब लगे? एक्चुअली सर मेरा जो बहादुरगढ़ है बिल्कुल दिल्ली के टच में है और वहाँ के बच्चे दिल्ली में ही जाते हैं कोचिंग सेंटर में. मैंने भी ली थी टीएम से उस टाइम पे जब सीटेट के लिए, तो मेरा सीटेट भी हो गया था कि और भी कई हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह, बट मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था सर. मैंने जब आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे तभी मैंने सोचा यहाँ जाऊंगी मैं इंटरव्यू के लिए. तब मैं यहाँ आई और मुझे 100% कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मेरा हो जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा हो जाएगा. तो अब आप खुश हैं पीडी को ज्वाइन करके, आपको कैसा लग रहा है कि आप बच्चों को गाइड करेंगे कि एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए वो पीडी क्लासेस के पास आए? बिल्कुल बिल्कुल. चाहे दिल्ली में कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं बहुत जगह गई हूँ लाइफ में, मैंने बहुत जगह कोचिंग ली है, बट बेस्ट इंटरव्यू के लिए बेस्ट मुझे यही लगा क्योंकि हमारे बहादुरगढ़ के आसपास जितने बच्चे कोचिंग ले रहे हैं उनको ये लग रहा है, उनको खुद रियलाइज हो रहा है. मुझसे पूछते हैं सर वो कि मैम आपने कहाँ से ली कोचिंग, मैम आपने कहाँ से ली कोचिंग. मैं जब इंटरव्यू देने गई तो इंटरव्यूअर भी देख रहे थे कि लड़की में कितना कॉन्फिडेंस है. ये नहीं है कि वो कहीं से रट के आई है क्वेश्चन, ऐसा नहीं लग रहा था. मैंने कॉन्फिडेंस से बस आंसर दिया, ऐसा नहीं कि मुझे सारे क्वेश्चन मेरे ठीक थे गलत भी हुए. तो मैं तो सर गाइड करना चाहूँगी कि यहाँ जिसको अपनी लाइफ सेट करनी है, जो जिसका सपना है कि मुझे टीचर बनना है या कोई और भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए तो बेस्ट है सर के पास भी है. तो सोनिया मुझे वाकई में ना बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है आपसे, दैट इज वेरी गुड. और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास आप आए और आपका सिलेक्शन हुआ, ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है. पीडी क्लासेस रेली और ये वही सोनिया है. अगर आप इनके वीडियोस देखे तो ये जब डेमो देते थे तो बहुत बार डरे हुए, मगर आज आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट. और गोविंद जी भी बहुत खुश होंगे भाई, इनकी वाइफ है कितनी अच्छी जॉब कर रही है इस समय. और ऑब्वियस आप शायद मेघालय के सारे एरिया घूम ही होंगे. हाँ सर, उस सर वीडियो में एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा. हाँ जरूर. स्टूडेंट्स जो मेरे हस्बैंड हैं और सर हैं, इनकी वजह से ही मुझे मैं सक्सेस हुई लाइफ में, अदरवाइज नहीं होती. क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ कोचिंग लेने आई, मैंने एक दिन पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो मैं इतना रो रही थी कि वापस चलो ये छुट्टी लेके आए, फिर भी मैं इनको बोल रही वापस चलो, रो रही. मैंने इनको फोर्स करके मना भी लिया. हम सर के पास आए, सर ने मुझे नहीं जाने दिया कि मैम आप प्लीज आज रात रुक जाइए, कल अगर आपको जाना है तो आप बेसक से चले जाइए. मैं ओनली 3 days यहाँ पे आई, अदरवाइज 7 days का कोर्स था. 3 days में मेरे हस्बैंड के ऑफिस से कॉल आ गया, इमरजेंसी सर इज इन पुलिस तो ऑफिस है. 3 days सर ने मुझे ऑनलाइन दिया कोचिंग. 7 days या जितना भी इंट्री कर डेज ना, मेरी प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि मैं घर पे भी ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे निकलने लग गई आवाज. तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया. तो ये बहुत कॉन्फिडेंस. बिल्कुल मैडम. सर आपको कैसा लग रहा है आपकी वाइफ? बहुत अच्छा लग रहा है. अब ये आपने जो चाहती थी टीचर बनना चाहती थी, सपना सफल हो गया. सच बात है, सच बात है. चलिए मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप दोनों के साथ रहेगी. ओके, सो माय बेस्ट विशेस टू यू और होप कि आप लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करें. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप कि आपने कुछ रिटर्न की गाइडेंस ली होगी, आप इसको अप्लाई करना और होप कि आपको इससे बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला है. थैंक यू वेरी मच, लव यू स्टूडेंट्स.